स्वामी विवेकानंद की जयंती है और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरा देश इसे मनाता है। हम लोग आज NSS राष्ट्रीय सेवा योजना की जो दयालबाग यूनिवर्सिटी इकाई है उसकी तरफ से इस राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं और इस वेबिनार में हमारे साथ आज के जो हमारी अतिथि हैं, व्याख्याता हैं, डॉक्टर ज्योति सिंह वाराणसी के तिब्बतन इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में, और स्वामी विवेकानंद के जीवन और साहित्य विचार से काफ़ी गहरे प्रभावित हैं और उनका व्यापक अध्ययन है इस विषय में। तो आज के अवसर पर हम लोग उन्हें सुनेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद हमारे NSS के प्रेरणा पुरुष हैं और NSS के जो हमारे स्वयं सेवक हैं वो जानते हैं कि हम लोग उनके विचार और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के समाज सेवा और तमाम जो NSS के कार्यक्रम हैं करते हैं। उसी NSS की तरफ से आज हम विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर हम लोग डॉक्टर ज्योति सिंह को सुनेंगे। तो मैं डॉक्टर ज्योति सिंह से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात यहां रखें और हमारे विद्यार्थियों को अपने विचारों से, स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत कराएं। डॉक्टर ज्योति सिंह, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से हो रहे आज राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित वेबिनार में आप सभी का बहुत आदर और सम्मान के साथ अभिनंदन करती हूँ और अपनी बहादुर छात्राओं को बहुत स्नेह और प्यार निवेदित करती हूँ। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ अरुण प्रताप सिकरवार सर और बिजराज सर के प्रति कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। बिजराज सर ने अभी कहा कि मेरा बहुत व्यापक अध्ययन है स्वामी विवेकानंद पर, तो स्वामी जी को जीवन भर पढ़ना भी कभी भी व्यापकता नहीं आ सकती। इतना कुछ किया और कहा है उन्होंने कि उन्हें इतने छोटे से जीवन में हम लोगों के लिए आत्मसात कर पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मेरा जितना भी थोड़ा अध्ययन है उस पर मैं अपनी बात रखूंगी आपके सामने। और इसी अवसर पर मैं आज के राष्ट्रीय युवा दिवस पे आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे हम स्वामी जी को जब भी पढ़ते हैं, आप स्वामी जी की रचनाओं को जब भी पढ़िए तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कभी पुराने लगते ही नहीं हैं, वो हमेशा नित नवीन ही लगते हैं। उनमें हमेशा कुछ नया हमें मिलता है, कुछ नया हम उनमें पाते हैं। आज से 125-150 साल पहले जो बातें उनके मुख से कही गई हैं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और हमें हर समय वो प्रेरणा देते रहते हैं। यदि हम गूगल सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि गूगल पे सबसे ज़्यादा अधिक सर्च किया जाता है तो स्वामी विवेकानंद जी के थॉट्स को, तो एक तरह से वो यूथ आइकॉन है। शायद इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल सरकार ने की। और सर ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणा पुरुष भी हैं स्वामी जी, तो ये जान के, क्योंकि उसका तो ही है कि नेशनल सर्विस स्कीम, सर्विस सेवा करना, और स्वामी जी तो जीवन भर ये शिव भाव से जीव सेवा, यही उनका मूल मंत्र था। वो मनुष्य की, दरिद्र की, गरीबों की, दुखियों की, सबकी सेवा करते रहे शिव भाव से। तो हम इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले स्वामी जी के जीवन से परिचित हो लेते हैं कि स्वामी जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रभाव से हुआ। तो हम लोग जब शुरू करते हैं तो पाते हैं कि 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति के दिन सुबह 6:33 पर नरेंद्रनाथ का जन्म होता है। माता भुवनेश्वरी देवी का विश्वास था कि काशी के वीरेश्वर शिव की कृपा से ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसीलिए पुत्र का नाम रखा उन्होंने वीरेश्वर। वीरेश्वर से ही उन्हें बिले कहकर पुकारा जाने लगा। बिले में बचपन से ही असाधारण क्षमता,
मेधा, तेजस्विता, साहस, स्वतंत्र विचारधारा, सहृदयता, भाई बंधुओं के प्रति प्रेम, खेलकूद के प्रति आकर्षण, ये सब कुछ उनमें बचपन से ही दिखाई दे रहा था। और इसके साथ ही एक और चीज उनमें बहुत प्रबल रूप से आ रही थी, वो थी आध्यात्मिक पिपासा, जो बार बार वो ध्यान ध्यान खेलते समय भी ध्यान में मग्न हो जाते थे और साधु संन्यासियों को देखते ही उनमें एक आकर्षण दौड़ जाता था। और एक उनकी बहुत हम लोगों के लिए अक्सर ये प्रेरणा का काम करता है कि उन्हें रोज प्रतिदिन रात्रि में ज्योति दर्शन का एक स्वाभाविक अनुभूति थी। कहते हैं कि पूरे दिन वो जो भी करते थे वो ज्योति दर्शन करते हुए, उसमें ध्यान करते हुए उन्हें एक ऊर्जा मिलती थी, एक एनर्जी मिलती थी और शायद वो नए के लिए वहीं से प्रेरणा लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये कला अगर हम लोग भी अपनाएं तो निश्चित रूप से ये बड़ा कारगर होगा। तो इसी क्रम में हम जब देखते हैं कि स्कूल के वाद विवाद, चाहे परिचर्चा मंडली हो या खेल कूद हो, के नेता के रूप में शास्त्रीय गायन और भजन के वो श्रेष्ठ गायक, श्रेष्ठ श्रेणी के गायक रहे हैं और नाटकों के तो किशोर अभिनेता रहे और बहुत तरह की पुस्तकों को पढ़ने के कारण उनमें बहुत कम उम्र में एक विचारक उत्पन्न होने लगा था। संन्यास जीवन के प्रति उनमें बहुत गहरी आस्था थी जो निरंतर जीवन भर उनका ये बढ़ता रहा। और संसार के प्रति वो कभी हृदयहीन नहीं हुए, संसार के प्रति उनमें ममता, करुणा, दया, वो सब कुछ विद्यमान था। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भगवान बुद्ध का प्रभाव था। वो कहते भी हैं कि भगवान बुद्ध अवतार हैं और अगर हम उनकी ध्यान मुद्रा को ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि भगवान बुद्ध बैठे हैं या स्वामी विवेकानंद। तो बहुत गहरा प्रभाव उनके ऊपर इसका भी है। तो ये जो दर्शन है दया, करुणा, ममता, सहृदयता का, कहीं ना कहीं वो बौद्ध धर्म से भी उनमें आता है। तो इस क्रम में हम जब आगे देखते हैं तो जब स्कॉटिश कॉलेज में वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात विलियम हेस्टी जी से हुई, उनके अध्यापक प्रिंसिपल थे। उन्होंने सुना कि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण को ईश्वर के दर्शन होते हैं। ये बराबर वो लोगों से ये प्रश्न करते रहते थे कि क्या आपको ईश्वर के दर्शन हुए हैं। तो अध्यापक हेस्टी ने उन्हें बताया कि उन्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं, वो उत्साहित होते हैं उनके पास जाने के लिए। और लगभग 1881 संभवतः 6 नवंबर को वो पहली बार कलकत्ता में सुरेंद्र मित्र के घर उनका पहली बार दर्शन करते हैं श्री रामकृष्ण देव। हम सब जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव उनके गुरु रहे हैं और जो भी उन्होंने किया वो उनकी प्रेरणा पुरुष थे श्री रामकृष्ण परमहंस देव। पहली बार उन्होंने वहां देखा और फिर दोबारा उनको दक्षिणेश्वर में देखा और उनसे सीधा एकदम सवाल पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। उत्तर मिला, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसे ही ईश्वर को भी देख रहा हूँ। नरेंद्रनाथ यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने पहली बार देखा ऐसे मनुष्य को जिन्होंने ईश्वर को देखा। इतना ही नहीं, दूसरों को भी दिखा दिया। लेकिन नरेंद्रनाथ, क्योंकि तर्क उनकी शक्ति बहुत प्रबल थी तो वो ऐसे आसानी से मान जाने वाले नहीं थे। उन्होंने बहुत तर्क करते रहे, उनसे बराबर चर्चा करते रहे, वाद विवाद करते रहे और अंततः उनकी पवित्रता, श्री रामकृष्ण देव की पवित्रता, उनके त्याग और आध्यात्मिकता की बार बार परीक्षा करने के बाद जब वो निसंशय हो गए, जब वो निश्चित हो गए कि हाँ यह व्यक्ति ईश्वर को देखा है और इसलिए मुझे भी ईश्वर को दिखा सकता है, तब उन्होंने उन्हें गुरु रूप में ग्रहण किया। इस सब के प्रयत्न में श्री रामकृष्ण ने जान लिया था कि नरेंद्रनाथ नर ऋषि के अवतार हैं, जो मनुष्यों का दुख दूर करने के लिए तथा उनके भाव प्रचार के यंत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। नरेंद्रनाथ ने लगभग 4 वर्षों तक श्री रामकृष्ण के साथ संबंध स्थापित किया, उनके साथ वो रहे लगभग 4 वर्ष तक, क्योंकि उसके बाद श्री रामकृष्ण देव की 1886 में उनकी मृत्यु हो, शरीर उन्होंने समाधि ले ली, तो लगभग 4 वर्षों तक वो उनके साथ रहे। और इन वर्षों में उन्होंने बहुत आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त की। काशीपुर में श्री रामकृष्ण ने एक दिन कागज पर लिखा, नरेंद्र शिक्षा देगा, अर्थात भारत का जो शाश्वत आध्यात्मिक आदर्श है
जिसे उन्होंने अपने जीवन में रूपायित किया, जगत में उसका प्रचार नरेंद्रनाथ ही करेंगे, ऐसा श्री रामकृष्ण देव समझ चुके थे। और श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, जीवों पर दया नहीं, शिव भाव से, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। यह वाक्य नरेंद्रनाथ के जीवन का मूल मंत्र बन गया और आजीवन वे सत्य का संसार में प्रसार करते रहे। मनुष्य की सेवा के माध्यम से ही भगवान की उपासना की उन्होंने बात की। वस्तुतः विवेकानंद प्रत्येक कार्य श्री रामकृष्ण के द्वारा ही उनका हर कार्य निर्देशित था। कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण सूत्र हैं, स्वामी विवेकानंद उसके भास। 31 मई 1893 को स्वामी जी धर्म महासम्मेलन के लिए शिकागो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रोफेसर राइट से हुई। स्वामी जी के पास कोई परिचय पत्र नहीं था। रास्ते में जाते हुए उनका परिचय पत्र और बहुत सारे जो भी उनको कुछ सामग्री मिली थी वो कहीं खो जाता है, चोरी हो जाता है। तो वो केवल अपने शरीर, अपने गेरुए वस्त्र के साथ वो शिकागो पहुंचते हैं और फुटपाथ पर बैठे होते हैं और आते जाते लोगों को देखते हैं कि धर्म महासम्मेलन कल से शुरू होना है और मैं कैसे अपनी बात करूंगा और मैं इतने दूर से आया हूं। तो विलियम हेस्टी प्रोफेसर, सॉरी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राइट ने से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने स्वामी जी के पास जब ये जाना कि कोई परिचय पत्र नहीं है तो उन्होंने महासम्मेलन के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बैरोज उनको एक पत्र लिखा कि हमारे सभी अध्यापकों को एकत्रित करने पर जो होगा या सन्यासी उससे भी अधिक विद्वान है। 11 सितंबर 1893 को धर्म महासभा प्रारंभ होती है। स्वामी जी ने शाम को अपनी वक्तृता दी, अपना वक्तव्य दिया। उनके अमेरिका के बहनों और भाइयों यह संबोधन करते ही सभा के 7,000 श्रोताओं ने उन्हें विपुल अभिनंदन जताया। सभा तालियों से गूंज उठी। स्वामी जी रातों रात विख्यात हो गए। 27 सितंबर तक यह धर्म सभा चली और उन्हें प्रतिदिन वक्तव्य देना पड़ता था। उन्हें धर्म महासभा का श्रेष्ठ वक्ता घोषित किया गया और उनकी वक्तृता सबसे अंत में रखी जाती थी जानबूझकर कि लोग बहुत उदासीन अगर वक्तव्य सुनते सुनते थक जाते थे और जाने के लिए एकत्र होने लगते थे तो लोग अंत में आकर के कह दिया जाता था कि अंत में स्वामी विवेकानंद का वक्तव्य होगा। तो वो घंटों बैठे रहते केवल स्वामी जी का व्याख्यान वक्तव्य सुनने के लिए। इस तरह उन्होंने श्रोताओं को अंत तक बांधे रखा। इस रूप में भी स्वामी जी का बहुत महत्व वहाँ रहा और बहुत प्रेम और स्नेह उन्हें वहाँ मिलता है। 15 जनवरी 1897 को स्वामी जी भारत वापस लौटते हैं। कोलंबो में जहाज से उतरते हैं और पूरे भारत में घूम घूम कर वो व्याख्यान देते हैं, जिसका संकलन भारतीय व्याख्यान नामक पुस्तक में हुआ। अंग्रेजी में उसका अनुवाद है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इस नाम से संकलित है। ये पूरा व्याख्यान भारतीय व्याख्यान, अगर हमें भारतीय नवजागरण को समझना है, भारत को समझना है, तो यह पुस्तक बहुत ही कारगर साबित होगी। एक समृद्ध पुस्तक है यह भारत को जानने के लिए, भारतीय परंपरा को जानने के लिए, भारतीय नवजागरण को समझने के लिए। भारतीय व्याख्यानों को जब हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि उसमें केंद्र में भारत है, भारत मौजूद है। और जब वह लंदन छोड़ रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, इन 3 वर्षों में शक्ति, ऐश्वर्य और विलासिता के केंद्र पाश्चात्य देश में रहने के बाद जब आप भारत वापस लौट रहे हैं तो आपको अपना देश कैसा लगेगा? स्वामी जी ने उत्तर दिया, यहाँ आने के पहले मैं अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष को प्यार करता था, पुण्य भूमि मानता था, कर्म भूमि मानता था, लेकिन अब उसके एक एक कण को मैं तीर्थ से कम नहीं मानता। भारत मेरा तीर्थ स्थान है। कोलंबो उतरते उन्होंने जो पहला व्याख्यान दिया, वहां से लेकर सभी व्याख्यानों की शुरुआत एक रेटोरिक से होती है। सभी व्याख्या उनकी शुरुआत ऐसे होती है, यही है हमारी मातृभूमि भारत, यही है वो भारत, आदि आदि, ऐसे शुरुआत को करते हैं सभी व्याख्यानों की। तो हमेशा एक गौरवशाली अतीत
जो उपनिषदों के ऊंचे चिंतन की याद दिलाता है, भारतीय नवजागरण के इतिहास में वह एक नया प्रस्थान था जो विवेकानंद इन व्याख्यानों के माध्यम से रच रहे थे, दे रहे थे। रविंद्रनाथ ने रोमारोला जी से कहा, इफ यू वॉन्ट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, देयर इज ऑल पॉजिटिव एंड नथिंग नेगेटिव। भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो, वहाँ सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। भारत को जानने की दृष्टि से इन व्याख्यानों का बहुत महत्व है। और अमेरिका जाने से ठीक पहले कन्याकुमारी की शिला पर उन्होंने 3 दिन तक लगातार जो ध्यान किया था, वह विश्व धर्मों के इतिहास में ऐसा प्रथम ध्यान था, ऐसा गहरा ध्यान जिसका विषय कोई देवता नहीं था, उसका विषय आत्मतत्व भी नहीं था, उसका विषय था भारत। अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव के देहावसान के बाद उन्होंने पूरे भारत के कोने कोने में 6 वर्षों तक परिव्राजक होकर के यात्रा की, और उसके बाद उस सारे अध्ययन और अनुसंधान के बाद जब यूरोप से लौटकर वो भारत को संबोधित कर रहे थे, तो रविंद्रनाथ ने कहा कि पूर्व और पश्चिम दोनों के बीच में खड़े होकर जैसे उन्होंने दोनों गोलार्धों को उठा लिया हो और दोनों को बराबरी के साथ संबोधित किया। अमेरिका से लौटने के बाद जब वो यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि प्राचीन भारत की जो कमियां थी उस पर वो केंद्रित करके बोलते हैं कि 6-7-8 शताब्दियों के इस पतन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्राचीन भारत के सबसे अच्छे, सबसे पढ़े लिखे लोग, मनीषी लोग बरसों भर यही सोचते रहे कि लोटा भर पानी दाहिने हाथ से पिए कि बाएं हाथ से पिए, हाथ 4 बार मांजे या 5 बार मांजे, कुल्ला आठ बार करे या 10 बार करना चाहिए, यह भारतीय मनीषा का, उसकी बुद्धि का घनघोर पतन था। और उसने कुल मिला जुला कर धर्म को रसोई घर में घुसा दिया। हमारा धर्म रसोई घर है, हमारा ईश्वर भात की हांडी है, हमारा मंत्र है छुओ मत छुओ। कुल मिला जुला करके धर्म ने दुर्बल जनों को और दुर्बल बना दिया, या धर्म का जो क्षयग्रस्त रूप है इसने भारतीय मनों को दुर्बल किया, उन्हें धर्म के मामले में, भोजन के मामले में, हर चीज की कसौटी उन्होंने अपनी फियरलेसनेस एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ, जो कुछ खाने पीने से, जो कुछ आचरण करने से हम तुम शक्ति अनुभव करते हो, निर्भयता अनुभव करते हो, वह सब पवित्र है। यह धर्म की एक नई परिभाषा थी, उपनिषदों के आधार पर स्वामी जी ने यह परिभाषा। शिकागो में अपने पहले भाषण में उन्होंने जो पहला वाक्य कहा था वह यही कहा था कि मैं 4,000 वर्ष पुरानी सभ्यता की ओर से तुम लोगों को यह बोलने आया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरा धर्म सही है, आपका अगर धर्म गलत है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मैं 4,000 वर्ष पुरानी सभ्यता की ओर से बोलने आया कि हम लोग मानते हैं कि सभी धर्म सत्य हैं, सत्यानुसंधान के मार्ग हैं, और हम महज सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते। टॉलरेंस तो बहुत छोटा मूल्य है, हम इससे बड़ा मूल्य सामने रखते हैं, हम सबको स्वीकार कर सकते हैं। नॉट ओनली टॉलरेंस but universal acceptance. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as too. So, हम सबको स्वीकार करते हैं, यह एक नई आवाज थी, इसलिए यूरोप ने उनको ध्यान से सुना। और यह भारत के लिए भी, आगामी भारत के लिए भी एक संकेत था कि अगर इस विशाल देश को, विभिन्न धर्मों को मानने वाले करोड़ों करोड़ जन समुदाय को इकट्ठा करना चाहते हो तो धर्म के बारे में तुम्हारी एक गंभीर नीति होनी चाहिए, और वह गंभीर नीति एक्सेप्टेंस की ही हो सकती है,
हो सकती है, नेगेशन की नहीं हो सकती। उन्होंने अपने व्याख्यानों में इस बात को बार बार कहा है कि भारतीय संस्कृति में एक नया जागरण, एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हो तो धर्म को समेटना होगा। कहते हैं, हम भारतीय एक बड़ी संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं और हमारे पास पश्चिम को देने के लिए एक संदेश है, इसलिए बराबरी के स्तर पर उसे यह बात रखनी चाहिए कि भारत यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए आध्यात्मिकता का संदेश दे सकता है, लेकिन भारत का भी कल्याण तभी होगा जब वह पश्चिम के विज्ञान का, भौतिक ज्ञान का, राजनीतिक संगठनों का, टीम स्पिरिट का, टीम वर्क का कौशल सीखे। इस तरह पूर्व और पश्चिम के समन्वय का भी उन्होंने रास्ता सुझाया। भारत का वेदांत जिस ऊंचाई पर था और जिन तत्वों को की खोज में लगा था, वास्तव में वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए, विशेष रूप से हायर फिजिक्स अनुसंधानों के जरिए, जिस ब्रह्मांड की एकता, सृष्टि की अनंतता का सिद्धांत आ रहा था, वह भारत को स्वीकार्य था। उससे भारत का सत्य और सही प्रमाणित हो रहा था। इसलिए विज्ञान की खोजों का भारत ने कभी विरोध नहीं किया। यह एक अद्भुत बात थी कि विश्व इतिहास में भारत की ही धरती पर विज्ञान को धर्म ने स्वागत किया। इसलिए यह भारतीय नवजागरण की एक विशेषता है कि यह धर्म के क्षेत्र से शुरू होता है और विज्ञान को भी गले लगाता है। वेदांत उसको चिन्मय मानता है और विज्ञान उसको जड़ मानता है। कहते हैं, उनका जो संकेत था कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है, लेकिन वह संदेश वह तभी दे सकता है जब भूख और गरीबी, अकाल के मारे हुए जो करोड़ों लोग हैं, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में वो जी जान से लग जाएं। यही एक विशिष्टता है जो भारतीय नवजागरण के सभी चिंतकों को विवेकानंद से अलग करती है। भारतीय नवजागरण में नया अध्याय जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि स्त्री पराधीनता को दूर करना होगा, उसको स्वावलंबी बना, उसको शिक्षित करो और वहां से हट जाओ, उसका नेतृत्व उसके भीतर से ही विस्तृत होगा। स्त्री नेतृत्व, जिसके लिए उन्होंने सरला बाला घोष से बात की थी, उन्होंने कहा कि भारत अगर मेरी बातों को का सही उत्तर नहीं देगा तो मुझे पश्चिम से नेतृत्व चुनना पड़ेगा। और उन्होंने सिस्टर निवेदिता को बुलाया। सिस्टर निवेदिता ने स्त्री शिक्षा आदि क्षेत्रों के लिए बहुत कार्य किया। हम इस विषय पर, स्त्री विषय पर हम थोड़ी देर बाद इसको अंत में रखेंगे, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। हम पहले भारतीय व्याख्यानों पर भी इस विषय पे बात कर ले। विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान का जो मुख्य विशेषता थी, करोड़ों करोड़ों दलितों, गरीबों को अपने विचार के उन्होंने केंद्र में रखा, और इसलिए दूसरे जो धार्मिक उपदेशक हैं, इन लोगों की तुलना में विवेकानंद ने कहा कि गरीबों के लिए तो रोटी ही ईश्वर, भूखे पेट को तुम अध्यात्म का, धर्म का उपदेश दिए जा रहे हो, इससे उसकी दुर्बलता और बढ़ेगी। वह बनारस में अपनी मृत्यु के ठीक पहले आए, वहां कुछ विद्यार्थियों ने पुअर रिलीफ एसोसिएशन बनाया था। उन्होंने कहा, तुम किसको पुअर और गरीब कहते हो, और तुम उसकी सहायता करोगे, यह अहंकार है तुम्हें, यह अभिमान है तुमको, यह सब छोड़ो, ये चैरिटी का, दान का, यह सब कुछ का जो उठाने का जो तुम्हारा अभिमान है, इन सबको छोड़ दो। वो कहते हैं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, सर्व गॉड इन मैन एंड बी फ्री। ये जो पत्थर में बने हुए भगवान हैं, उनकी पूजा तुमने बहुत दिनों की, लेकिन ये जो जीव रूपी शिव है, जागृत दरिद्र नारायण है, ये जो कोटि कोटि परमात्मा है, इनकी सेवा करो और मुक्त हो जाओ। मोक्ष का यही नया मार्ग वो देते हैं। उनकी वाणी ने, उनके संदेश ने एक ठोस आकार लिया, जिसमें भारतीय जनजीवन को, विशेष रूप से गरीबों को भगवान मानकर उनकी सेवा का आदर्श आगे बढ़ा। दरिद्र देवो भव, गरीबों के लिए पाठशालाएं खोलो, उन्हें शिक्षित करो। रोगी देवो भव, रोगियों के लिए उपचार की व्यवस्था करो, अस्पताल खोलो, औषध दो। उन्होंने देश को ठोस काम में लगाया।
और उस समय धर्म का जो नया पाखंड शुरू हो गया था विज्ञान का नाम लेकर के, उस सब पर प्रहार उन्होंने किया जिस तरह कबीर ने और बुद्ध ने किया था, उसी तरह स्वामी विवेकानंद ने भी उस पर प्रहार किया। विवेकानंद जी कहते हैं पुरानी भाषा थी कि ईश्वर को जो नहीं मानता वह नास्तिक है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं परिभाषा करता हूँ कि जो अपने आप को नहीं मानता, अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मश्रद्धा, इसलिए भारत के लिए उनका जो आह्वान था वह यह था अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर उठकर खड़े हो जाओ। वह उन गरीबों के लिए, उन लांछितों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वह करो, यह मानकर नहीं कि वे गरीब हैं और रोगी हैं। कहते हैं उन्होंने जो रास्ता चुना जिसमें ब्राह्मण, चांडाल, स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित, मूर्ख, रोगी, इन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने आह्वान किया था। और इस आह्वान का मूल्य इस बात में था कि कोई बुरा नहीं है, यह उनका प्रसिद्ध वाक्य है। उन्होंने कहा बुरे से अच्छे की ओर यात्रा नहीं होती, अच्छे से और अच्छे की ओर यात्रा होती है। इसीलिए रविंद्रनाथ ने कहा है देयर इज ऑल पॉजिटिव, सब कुछ सकारात्मक है, तुम अच्छे हो थोड़ा और अच्छे हो जाओ, भारत जाग गया थोड़ा और इसको जगाने की जरूरत है। संक्षेप में यही कह सकते हैं उनके जो संदेश का सार है, परंपरा और आधुनिकता का, पूर्व और पश्चिम का, धर्म और विज्ञान का, व्यक्ति और समाज का, जो एक विराट सामंजस्य हो सकता है वो उनकी वाणी में अनुस्यूत है। विवेकानंद एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जिसका मस्तिष्क वेदांती और शरीर इस्लामी होगा, समन्वय के सिवा एकता का और कोई रास्ता नहीं हो। मैंने विषय छोड़ा था स्त्री शिक्षा क्योंकि हमारे पास यहाँ बच्चियां मौजूद हैं और बिना स्वामी जी का क्या दृष्टिकोण था स्त्रियों को लेकर के, उस पर बात किए बिना आगे बढ़ना यह अन्याय होगा। और चूंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहाँ स्वामी जी का क्या नजरिया था स्त्रियों के प्रति, ये जानना भी बहुत जरूरी है। स्वामी जी जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ की जो शिक्षित, साहसी और दयालु महिलाओं को उन्होंने देखा, जो पक्षियों के समान स्वाधीन थी, उनको देखकर वो दंग रह जाते हैं। उन लोगों ने बड़े आत्मसम्मान के साथ अपने समुदाय के नागरिक जीवन को कायम रखा था। विस्मय और प्रशंसा के साथ उन्होंने अमेरिका से एक मित्र को पत्र लिखा, मैंने जैसी शिष्ट और शिक्षित महिलाएं यहाँ देखी वैसी कभी नहीं देखी। हमारे देश में शिक्षित पुरुष हैं, परंतु अमेरिका जैसी महिलाएं मुश्किल से ही कहीं और दिखाई देंगी। मैंने यहाँ हजारों महिलाएं देखी जिनके हृदय हिमालय के समान पवित्र और निर्मल है। आहा, वे कैसी स्वतंत्र होती हैं, सामाजिक और नागरिक कार्यों का नियंत्रण करती हैं। पाठशालाएं और विद्यालय महिलाओं से भरे हुए हैं और हमारे देश में महिलाओं के लिए राह चलना भी निरापद नहीं है। इसके बाद वे लिखते हैं, यहाँ लोग स्त्रियों की इसी रूप में, शक्ति रूप में पूजा करते हैं और हमारे भारत में स्त्रियों की मातृ रूप में पूजा करते हैं। यही अंतर है पाश्चात्य और हमारे भारतीय सनातन परंपरा में कि वो स्त्री को शक्ति भोग्या के रूप में स्वीकार करते हैं और हम मातृशक्ति के रूप में उसको पूजते हैं। लेकिन हम कहाँ तक सफल हुए हैं यह जानना एक बहुत बड़ा विषय है, बातें कभी और इसलिए कहते हैं इसीलिए वो इतने सुखी, विद्वान, स्वतंत्र और उद्योगी हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री को शक्ति रूप में स्वीकार किया है। और हम लोग स्त्री जाति को नीच, अधम, महाहेय और अपवित्र कहते हैं। फल यह हुआ कि हम लोग पशु, दास, उद्यमहीन और दरिद्र हो गए। स्वामी जी कहते हैं कि वो निर्भीक वेदांती थे और वेदांत में स्त्री और पुरुष जैसी कोई बात होती नहीं, वहां ब्रह्म को सत्य माना जाता है। और कहते हैं कि पूरा यह जो संपूर्ण जगत है यह ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, जहाँ लिंग भेद नहीं होता, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, वहां तो केवल ब्रह्म सत्य होता है। तो वो कहते हैं कि इस परम तत्व में लिंग भेद नहीं है,
हमें मैं तुम की भूमि से लिंग भेद दिखाई देता है। उन्होंने और भी कहा, इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, यह समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है कि एक ही चित्त सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है। किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियां ज्ञान भक्ति की अधिकारिणी नहीं होती? इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों को, जैसे मैत्रेयी और गार्गी हुई हैं, को जब उस समय अध्यात्म ज्ञान का अधिकार था, तो फिर आज भी स्त्रियों को अधिकार क्यों न रहेगा? तो एक बात जो वो हुआ वह अवश्य हो सकता है, ऐसा वो विश्वास करते हैं। और इसी क्रम में स्वामी जी ने अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी को अमेरिका से जब वो पत्र लिखते हैं, तो उसमें पत्र का जो केंद्रीय भाव है वो मैं आपको बताऊंगी। पत्र तो मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, बहुत लंबा है वो पत्र, महिलाओं को लेकर के, कि यहाँ की स्त्रियां कार्य कुशलता में तेजस्विता में पुरुषों से बढ़कर, ऐसा लगता है जैसे वो पुरुषों को एक कोने में ठूस देना चाहती है। उनके लिए पुरुष जैसी चीज और उनसे डर जैसी चीज ही नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसी कार्यकुशल, ऐसी तेजस्वी, ऐसी ओजस्वी स्त्रियां यदि मैं भारत में 1000 भी बना सका तो मैं निश्चिंत होकर मर सकता। तो मेरी प्यारी छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, आज बड़ा शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर यदि ये बच्चियां, हम सब स्त्रियां महिलाएं अगर यह संकल्प कर लें कि स्वामी जी जो 125 साल पहले ये कहते हैं कि हम 1000 स्त्रियां ऐसी बना सकें तो हम निश्चिंत होके मर सकते हैं, तो क्यों ना हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम उस 1000 में एक जरूर बनेंगे। तो इसी क्रम में जब हम थोड़ा सा उनके कर्मठ वेदांत के बारे में बात करके अपनी बात समाप्त करेंगे। स्वामी जी का जो वेदांत था, जो कर्मठ वेदांत, क्योंकि वो केवल पढ़ने और ध्यान के लिए ही नहीं था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि कर्म को वो विशेष मानते थे। और कहते हैं कि कर्म के द्वारा वो देश को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, और भारत माता के अतिरिक्त उनके लिए सभी देवता झूठे थे। तत्कालीन जो परिवेश था भारत का, उस समय का परिवेश था, उस समय में यही महत्वपूर्ण था कि भारत माता के लिए ही वो काम कर रहे हैं। उनका जो ध्येय वाक्य था, जो ध्येय था कि चित्त शुद्धि हो, सभी को परब्रह्म समझकर उनके लिए अपने को समर्पित करना, हृदय की विशालता और चरित्र की पवित्रता, इसलिए उनके लिए अदम्य उत्साह, कर्म की चेष्टा, विपुलता, उद्वेलित शक्ति, ये सत्व की पहचान थी। और निर्धनता दूर करने के लिए, देश की उन्नति के लिए उन्होंने भारत के नवयुवकों को आह्वान किया था। कहते थे, गीता समझने का वास्तविक मैदान फुटबॉल का मैदान है। उनके लिए अध्यात्म का रास्ता कर्मयोग के बीच से गुजरता हुआ देश प्रेम पर आकर रुकता है। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, स्वामी विवेकानंद का धर्म राष्ट्रीयता को उत्तेजना देने वाला धर्म था। नई पीढ़ी के लोगों में उन्होंने भारत के प्रति भक्ति जगाई और उसके अतीत के प्रति गौरव एवं उसके भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न की। उनके उद्गारों से लोगों में आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के भाव जगे हैं। स्वामी जी कहते हैं, मैं भारत में लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नाड़ी और धमनी देखना चाहता, क्योंकि इन्हीं के भीतर वह मन निवास करता है जो शंखा एवं वज्रों से निर्मित होता है। शक्ति, पौरुष, छात्र, वीर्य और ब्रह्म तेज, इनके समन्वय से भारत की नई मानवता का निर्माण होना चाहिए। यह वेदांत के आधार पर कर्मयोग युक्त अध्यात्म का वो प्रचार कर रहे थे। आज जबकि हम लोग बहुत सारी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर्यावरण समस्या है, धार्मिक कट्टरता है, हिंसा अथवा नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, हमारे बहुत सारे सभ्यता संबंधी जो मूल्य हैं उसके विरोध में पश्चिमी लोकप्रिय संस्कृति का जो प्रचार हो रहा है, ये सारी चुनौतियां हमारे सामने फैली हुई हैं। तो स्वामी जी का इस समय में जब हम देखते हैं, तो देखते हैं कि स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद अपने महान नेताओं को हम उस परिधि में, उस रूप में, उस समस्या के समाधान के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं।
एक देश की जनता को धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता के प्रतीक के रूप में स्वामी जी जो संदेश दे गए हैं वो कहते हैं, धर्म मनुष्य के भीतर निहित दिव्यता की अभिव्यक्ति दिव्यता से युक्त है तथा जीवन का है अपनी तथा वायु प्रकृति पर नियंत्रण करते हुए इस दिव्यता को बहुत ही सरल ढंग से कहते हैं। अमेरिकी महिलाओं को उन्होंने कहा था, प्यार करो, प्यार शक्ति देता है, प्यार निडर बनाता है। स्वामी जी ने अस्पृश्यता के विरोध में घोषणा की थी, अपनी बुलंद आवाज में उन्होंने कहा था, बार बार कहते थे, इस कालिमा को धो डालो, अपने राष्ट्र में लगी हुई इस कालिमा को खत्म करो, अस्पृश्यता की कालिमा या आम जनता के ध्वंस का आधार है। सिर्फ अस्पृश्यता ही नहीं, स्वामी जी ने एक कदम आगे बढ़कर भारतीय महिलाओं की उपेक्षा को पाप कहा था। महिलाओं का उत्थान दलितों में जागृति के द्वारा ही देश की भलाई हो सकती है, देश प्रगति के रास्ते आगे बढ़ सकता है। समाज की प्रगति मात्र पुरुषों पर आधारित नहीं है, स्त्री शक्ति को पुनर्जीवित करना होगा। किसी चिड़िया का अगर एक पंख से उसे उड़ने को कहा, उड़ने क्या ऐसा संभव है कि किसी कोई चिड़िया एक पंख से उड़ सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उसे दोनों पैरों से उड़ना होता है और इन दोनों पैरों के लिए हमें स्त्री शक्ति को जागृत करना होगा, पुनर्जीवित करना होगा। निर्धनों का उत्थान, दलितों के प्रति आत्मविश्वास का विकास और स्त्री शक्ति का प्रसार शिक्षा के द्वारा ही संभव है, जिससे कि इनके लिए अपने खोए हुए व्यक्तित्व का जो उद्धार है वो संभव हो सके। स्वामी जी ने यही नुस्खा दिया, उनका आदर्श वाक्य था, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। वे अपने दिव्य चक्षु से ये देख सके थे कि जिस अनुपात में जनता में शिक्षा का प्रसार और बौद्धिक स्तर में विकास होगा, उसी अनुपात में देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। स्वामी जी उस शिक्षा के पक्ष में हैं जिसमें मूल्य व्यवस्था का प्रसार, चरित्र निर्माण और परिणामतः मानसिक शक्ति विकसित हो। मानसिक शक्ति का विकास हमारे भीतर आत्मविश्वास भरता है और हम अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। हम इसी क्रम में स्वामी जी में बहुत सारे, उनकी तो बहुत सारे कोटेशंस हैं जो हम लोग अक्सर पढ़ते ही रहते हैं, कि अपने आप पर विश्वास करो, अपनी शक्तियों पर विश्वास करो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम में सब कुछ विद्यमान है। तो यह सब कुछ जो वो कहते हैं बार बार कि तुम खुद पर विश्वास करो, तुम सब कुछ कर सकते हो, हमें चाहिए, हमारी छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, कि मैं अक्सर बोलती हूँ जब भी हम अपनी क्लास में पढ़ते पढ़ाते होते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों से ये बात करती हैं कि आपके पास 24 घंटे का समय होता है, आप उस 24 घंटे में 10 मिनट का समय निकाल के प्रतिदिन स्वामी जी को पढ़िए। ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरी गारंटी है कि आप लगातार अगर 15 दिन 20 दिन तक स्वामी जी को हर दिन 15 मिनट, 24 घंटे में केवल 15 अगर आप पढ़ते हैं, आपके व्यक्तित्व में आज पहले दिन आप जब शुरू करते हो और 15 दिन बाद जब आप अपने आप को स्वयं को देखोगे, तो आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन दिखेगा जो बहुत खूबसूरत होगा, जो बहुत आत्मविश्वास से भरा होगा, बहुत आपको समझ में, खुद से समझ में आने लगेगा कि हमारे अंदर कुछ हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। और 6 महीने में तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो मैं अपनी छात्राओं से जो आप यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि आप स्वामी जी को पढ़ें, केवल 12 जनवरी को याद कर लेने से नहीं, मात्र 15 मिनट डेली पढ़ने की बात मैं कर रही हूँ कि आप स्वामी जी को पढ़िए। आप किसी भी आइडियल व्यक्तित्व को पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो इसमें आपकी रुचि हो, जो आपको रुचिता हो, जो आपके मन को अच्छा लगता, जिससे आपका तादात्म्य बनता हो, आप उन्हें पढ़ें। क्यों? क्योंकि हमें, हम जिस पैंडेमिक माहौल में जी रहे हैं, हम जिस तरह के वातावरण में इस समय हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हमारे आसपास हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं अपने इन आदर्श चरित्र से ही ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा लेने के लिए हमको 15 मिनट तो वहाँ देना ही होगा। तो इसी के साथ
मैं पुनः अरुण सर, गुजरात जी और मेरी बहादुर बच्चियों को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी देर तक आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना, ध्यान से सुना। मैं कितना कुछ कह पाई हूँ मुझे नहीं पता, कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति।